असला आज बरोस पीर उनतीस अप्रैल आर एफ आई बुलेटिन के साथ मैं हूं अरिन चौधरी सबसे पहले हेडलाइंस ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਸ ਸਾਡੇ ਨਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਪਰ ਸਿੱਖੋ ਕਾ ਇਸ਼ਤਮਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਹੱਕ ਮੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ ਕੇ ਹਕੂਕ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਲੀਏ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਤੇ ਰਹੇਗੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਾ ধੁਆਦਾਰ ਖਤਾ वजीर अज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानब से दिए गए खसूस मकालमे और गाला डिनर में शिरकत वजीर अजम शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए बड़ा वफ्त जल्द इस्लामाबाद का दौरा करेगा सऊदी वजी ख़जाना की यकीन दहानी पाकिस्तान सख्त मालियाती नज्मी बनाए आई एम एफ मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलना जार्जीवा कालमी फोरम में खिताब वजी शहबाज शरीफ ने कहा की मैशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पाक-ईरान तालुक में अहम पेशरफ सरहद पर लाइजन अफसरान का तकर के अफसरान रवा हफ्ते चार्ज संभालेंगे चीनी सरमा का वक्त पाकिस्तान पहुंच गया लाइव स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में चार अरब यून की करेगा। सरमाक्रेसी का एक और कारनामा गैर जरूरी तौर पर गंदों में इम्पोर्ट करके मुल्की खजाने को डेढ़ अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया किसान एहतजाज करने पर मजबूर पाकिस्तान विमेन्स टीम को लगातार दूसरे मैच में भी शिकस्त वेस्ट इंडीज ने टी मैच में सात विकेट से कामयाबी हासिल कर ली हेडलाइंस आपने मुलाजा की चलते हैं खबरों की तफसी की जानब कैनेडा <स्थास्था> में खालसा डे का इज्तम कैनेडियन वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की शिरकत जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि सिखों के हकूक और आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे one of canada's ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਸ ਸਾਡੇ ਨਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ कनेडा के दारुल दारकूमत ओटावा में खालसा डे का इज्तम खालिस्तान तहरीक के जलसे में तब्दील हो गया बैसाखी मेले के मौके पर चारों तरफ मकतूल सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर की तस्वीर आवेदा थी जिन्हें गुजशत साल अट्ठारह जून को कैनेडा में कत्ल कर दिया गया था तहकीकत पर इंकशाफ हुआ था कि इसमें भारतीय सफारतकार और खुफिया एजेंसी के अहलकार मुलविस थे कैनेडियन वजीर अजम ने दिल्ली की जी ट्वेंटी कॉन्फ्रेंस में भी भारतीय हम मनसब को रिपोर्ट पेश की थी जिसके बाद भारत और कनाडा ने एक दूसरे के सिफारतक मुल्क बदर कर दिए थे ये तनाव अब भी जारी है खालसा डे की तकरीब से ख़िताब करते हुए वजी आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में आठ लाख सिख आबाद हैं जिन्हें अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी है इस मौके पर कैनेडियन काबीना के अरकान और लिबरल पार्टी के रहनम भी मौजूद थे सऊदी अरब के दारकूमत रियाज़ में वज़र अजम शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानब से दिए गए खसूस मकाल में और गाला डिनर में शिरकत की तकरीब के दौरान वजी अजम ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया उन्होंने आलमी इकतदी फोरम के खसूसी इजलास के कामयाब इनका और शानदार इंतजाम पर सऊदी क़्यादत को, को मुबारकबाद दी मुलाकात में इलाकई सूरत हाल बिलखसूस गजा के बहरान के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया वजी अजम ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी शहबाज शरीफ ने वज़ी खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की क्यादत में आला सरबराही वफ्द पाकिस्तान भेजने पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया वम ने ख़िम हरमैन शरीफ शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ सऊद की सेहत और दराजी और उम्र के लिए अपनी दुआओं और नक ख्वाहिशा का इजहार किया वजीर अज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है जबकि सऊदी वजीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए बड़ा वफ्त जल्द इस्लामाबाद का दौरा करेगा रियाज़ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान वजीर अजम पाकिस्तान ने सऊदी वजीर बरए सरमाकारी सऊदी वजीर ख़जाना वजीर सन्नत कोयत के अमीर और एम डी आई एम एफ से मुलाकातें की इंटरनेशनल मोनिट्री फंड की एम डी क्रिस्टालीना जाजीवा से मुलाकात में कर्ज के अगले प्रोग्राम और एक अशार्य एक अरब डॉलर की अगली किस्त से मुतल तबादला ख्याल किया गया वजीर अजम ने कहा कि हकूमत मीशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पुरज् है जबकि एम डी आई एम एफ का कहना था कि पाकिस्तान को मालियाती नस्म जब को भी यकीनी बनाना होगा असलाह से इस्तेकाम आ सकता है वजीर आजम ने सऊदी वजी ख़जाना और सऊदी वजी सन्नत से मुलाकात में कहा कि सऊदी सरमाकारों को खुश आमदेद कहेंगे दोस्त मुल्क ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है सऊदी वजीर सरमाकारी ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दिया और कहा कि पाकिस्तान का भरपूर साथ देंगे जबकि सऊदी वजीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की सऊदी अरब की तरक्की है सऊदी वजी सनत का कहना था कि दोनों मुल्कों के निजी शोबे का अश्तराक जरूरी है वजीर आजम ने कोयत के अमीर शेख मशल अहमद अल जाबिर से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुक और इकतदी शराकत दारी पर तबाजा खयाल किया कोत के अमीर ने कहा के पाकिस्तान में मुख्तलि शोबों में सरमाकारी करेंगे पाकिस्तान को माशी मुश्किल से निकालने में अपना अहम किरदार अदा करते रहेंगे आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टा लीना जॉर्जीवा नेकतसदी फोरम से ख़ता में कहा कि पाकिस्तान सख्त मालियाती नजमो जब्त को यकीनी बनाए आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान को सख्त मालियाती नजमो जब्त यकीनी बनाने का मशवरा देते हुए कहा है कि पाकिस्तान माशी असलाह से ही मेक्रो इकनॉमिक इसकाम हासिल कर सकता है सऊदी अरब के दारुल दारकूमत रियाज़ में वजीर आज़म शहबाज शरीफ से आई एम एफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालीना जारजीवा से आमी फोरम की साइड लाइन पर अहम मुलाकात की जिसमें नए प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया वजीर अजम ने एम डी आई एम एफ को बताया कि उनकी हकूमत पाकिस्तान की मीशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पूरी तरह पुरम है वज़ी अजम ने एम डी आई एम एफ को बताया कि उनकी हकूमत पाकिस्तान की मीशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पूरी तरह पुरम है वजीर अज़म ने क्रिस्टालीना जारजीवा का गुज़त साल आई एम एफ से तीन बिलियन अमरीकी डॉलर का स्टैंड बाई अरेंजमेंट हासिल करने में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया आई एम एफ के एक बोर्ड का आज इजलास मतव है जिसमें एस बी ए के तहत एक आशारिया एक अरब अमरीकी डॉलर की हतमी किस्त का फ़ैसला किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा के शहर बशा में चीनी इंजीनियर्स पर ख़ुदकुश हमले में मुलव चार दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया सी के मुताबिक गिरफ्तार दहशत गर्दों काम टी टी पी से है नेटवर्क के दीगर दहशत गर्दो की शनाख्त भी कर ली गई है सी टी डी का कहना है कि छब्बीस मार्च को चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ था हमले में पाँच चीनी इंजीनियर्स हलाक हुए थे पाकिस्तान के वजीर अजम शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खसूसी इजलास के मौके पर इस्लामी तरक्याती मोहम्मद समान अल जासर से मुलाक़ात की मुलाकात में इस्लामी तरक्याती पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ का जायजा लिया गया शहबाज शरीफ ने अपने गुजशत दौरेकूमत में इस्लामी तरक्याती बैंक की जानब से मुख्तलिफ मनसूबों में एक अरब अमरीकी डॉलर की सरमाकारी पर इस्लामी तरक्याती बिया अदा किया वैलाब के बाद मुल्क की बहाली में इस्लामी तरक्याती बैंक की मुआवनत को सराहा मुलाकात में पाकिस्तान में इस्लामी तरक्याती बैंक के जारी मुख्तलफ मनसूबों को जल्द अज्द मुकम्मल करने पर इत्फ़ाक भी किया गया और पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के दरमिया के नए मौा तलाश करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सलेमान अल जासिर का कहना था की पाकिस्तान इस्लामी तरक्याती बैंक का बानी और इंतहाई अहम रकन है पाकिरान तालुक में अहम पेशरफ्त सरहद पर लाइजोन अफसरान का तकर दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरक कार्रवाई के लिए कर्नल रैंक के अफसरान रवान हफ्ते चार्ट संभालेंगे सिफारतीराये के मुताबिक दहशत गर्दी से निमटने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान तावन को बेहतर बनाया जा रहा है इस हवाले से सरहद पर मुश्तरक कोशिशें शुरू कर दी गई हैं पाक फौज के लाइजौन अफसरान ईरान के सूबे जाहेदान में तैनात होंगे जबकि ईरानी कर्नल रैंक के, के पासदार इनकलाब के अफसरान बलोचिस्तान के जिला तुर्बत में तैनात होंगे ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी के दौर पाकिस्तान में इस मौजू पर तबादला ख्याल किया गया था बॉर्डर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए चीन ईरान और पाकिस्तान के मुजात जल्द होंगे जबकि विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जल्द ईरान का दौरा करेंगे चीनी सरमाकारों का वफ्त पाकिस्तान पहुँच गया लाइव स्टॉक समेत मुख्तलि शोबों में चार अरब यूआन की सरमाकारी करेगा चीनी सुबह खान के चैम्बर ऑफ कामर्स के चेयरमैन की क्यादत में चीनी सरकारों का बड़ा वफ्द पाकिस्तान पहुँच गया वफ् में चीनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान कम्यूनिटी के चेयरमैन शेख फरहान भी शामिल हैं चीनी सरमाकार भेड़ बकरियों की अफजाइश सब्जी फलों की पैदावार में इजाफा प्लास्टिक और पुराने टायरों से माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी के साथ ब्लैक एल तैयार करने के मनसूबा पर काम करेगा वफ्द ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की और पाकिस्तान में विंड एनर्जी समेत मुख्तलि शोबों में सरमाकारी से मुतक तबादला ख्याल किया वफद के सरबरा का कहना था कि पाकिस्तान चीन की जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाकर हर शोबे में तरक्की कर सकता है जबकि स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान में मुख्तिक शोबों में सरमाकारी के मौक़े मौजूद हैं हकूमत गैर मुल्की सरमाकारों खूस चीन के दोस्तों को हर किस्म की सहूलत फराहम करेगी चीनी सरमाकार चीनी सरमा रव इकतीस दिसंबर तक चार अरब यूआन की सरमाकारी करेंगे खबर पख्तून हुआ कि जिला टांग और डी ए खान में पाक फौज का ऑपरेशन छह दहशत गर्द हलाक हो गए आई एस पी आर के मुताबिक टांग के इलाके में अट्ठाईस और उनतीस अप्रैल को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में चार दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया हलाक होने वाले दहशत गर्द मुतद कार्रवाईओं में मुलविस थे दहशत गर्दो के कब्जे ऐसी भारी इसल और गोला बारूद भी बरामद हुआ पाक फौज के मुताबिक मुल्क के हर कोने में मुकामी अफरा की मदद और तावन से दहशत गर्दों का सफाया किया जाता रहेगा जबकि डेरा इसमाइल खान में भी पाक फौज के ऑपरेशन से दो दहशत गर्द मारे गए आई के मुताबिक शरपसंदों की मौजूदगी की इतला पर किए गए ऑपरेशन के दौरान दो दहशत गर्द हलाक हुए मारे जाने वाले शरपसंद फहीम नवाज उर्फ गंडापुरी और मोहसिन नवाज टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में मुलविस थे बदान ब्यूरोक्रेसी का एक और कारनामा गैर जरूरी तौर पर गंदम इंपोर्ट करके खजाने को डेढ़ अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया और किसानों को एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया मुल्क में गंदम की मौजूदगी के बावजूद 35 लाख टन गंदम दरामद करने से बहरान में घिरी मैशत को मजदूर नुकसान पहुंचाया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी की गैर जिम्मेदारी ऐसी मुकामी किसानों का इस्तेसाल भी हुआ काबीना की इकतदी रबता कमेटी ने नेशनल फूड सिक्योरिटी की समरी पर निजी शोबे को गंदम दरामद करने की इजाज़त दी थी पहले दस लाख टन गंदम दरामद करने की इजाजत दी गई थी जिसके बाद मजदीद निजी शोबे को गंदम मंगवाने की इजाज़त दे दी गई जबकि यकम अप्रैल दो हजार चौबीस तक मुल्क में तैतालीस लाख टन गंदम मौजूद थी इस तरह ब्यूरोसी और नेशनल फूड सिक्योरिटी और ई सी सी की मिली भगत से मकामी किसानों का किया गया गंदम दरामद होने से मुकामी गंदम कीमत कम हुई और पासकों ने खरीदारी भी रोक दी जिसके बाद किसान एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हालिया बारिशों से डेमो में पानी का जखीरा तीस लाख एकड़ फिट हो गया इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के मुताबिक पिछले एक माह में पानी के जखायर में 20 लाख बीस हजार एकड़ फिट का इजाफा हुआ है जिसके इरसा ने पानी के इस्तेमाल में सुबह को फ्री हैंड दे दिया है तर्जुमान एडसा के मुताबिक इस वक्त पंजाब को अड़सठ हजार सिंध को पचपन हजार और खैबर को तलब के मुताबिक दो हजार क्यूसिक पानी की फराहमी जारी है पूरे मुल्क में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज दो करोड़ चालीस लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे मुल्क के इक्यानवे अजला में पाँच रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम तीन मई तक जारी रहेगी इस दौरान दो करोड़ चालीस लाख बच्चों को पोलियो ऐसी बचाव के कतरे पिलाने के लिए चार लाख ऐसी जायद वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं हुकाम ने आवाम से अपील की है कि वो पाँच साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं जबकि नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के कोऑर्डिनेटर शहजाद बेग का कहना है कि इस मरतबा हाई रिस्क अजला में भी बाकायदगी से इंसदाद पोलियो मुहिम का इनका किया जा रहा है सिंध में पोलियो मुहिम का आगाज वजी अला सिंध ने अफ्ताह किया तीन मई तक अस्सी लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम उनतीस अप्रैल से तीन मई तक जारी रहेगी वजारत सेहत के निगरानी सूबे के चौबीस अजला में अस्सी लाख बच्चों को वजारत से निगरानी सूबे के चौबीस अजला में अस्सी लाख बच्चों को पोलियो के खात्मे के कतरे पिलाने का हदफ है कराची के गडाब टाउन में नई तामीर शुदा डिस्पेंसरी में इंसदाद पोलियो मुहिम का अफ्त वैयद मुराद अली शाह ने किया इस मौके आरोप वजीर सेहत डॉक्टर अजरा अफजल पेटो चीफ सक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह और दीगर हुकाम भी मौजूद थे भारतीय रियासत मणिपुर में अलहदगी पसंदों के हमले से दो सिक्योरिटी अहलकार हलाक हो गए भारतीय मीडिया के मुताबिक मणिपुर के दारुल दारकूमत इम्फाल से 45 किलोमीटर दूर जिला बशनूपुर के गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला किया गया जिसमें दो सिक्योरिटी अहलकार इंस्पेक्टर एन सरकार और हेड कांस्टेबल अरूप सैनी हलाक और इंस्पेक्टर जादेव दास और कांस्टेबल आफ्ताब दास जख्मी हो गए गांव नारायण सेना में इससे कबल भी सिक्योरिटी अहलकारों पर अलहद की पसंद हमला कर चुके हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के मुताबिक गुजशत साल मई से शुरू होने वाले नस्ली फसाद पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है यूक्रेन पर रूस के एक हफ्ते में 35 फजाई हमले तो के मंसूबों समेत मुख्तफ तनसीबात को नुकसान पहुँचा जबकि अमरीकी वजी दिफा का कहना है कि यूक्रेन को छः अरब डॉलर की इजाफी फ़ौजी इमदाद देंगे रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं एक हफ़्ते में मॉस्को ने यूक्रेन पर 35 मिसाइल दागे जिनमें मुख्तफ तनसीबात और दिफाई फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया इन हमलों से रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा और गैर मुल्की फौजियों का कौनवाई भी हदफ़ बना यूक्रेन हुकाम का दावा है कि पैंतीस में से इक्कीस मिजाइल्स को मार गिराया गया जबकि अमरीकी वजीर दिफा लाइड ऑस्टन का कहना है कि यूक्रेन को 6 अरब डॉलर की इजाफी फौजी इमदाद देंगे इस पैकेज में पेट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए गोला बारूद और आर्टिलरी भी शामिल हैं पाकिस्तान वीमेंस टीम को लगातार दूसरे टी ट्वेंटी में शिकस्त वेस्ट इंडीज ने सात विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज टीम के दरमियान खेले गए मैच में हेली मैथ्यूज की शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी की बदौलत मेहमान टीम ने पाकिस्तान को दूसरे टी ट्वेंटी मैच में बासानी सात विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में दो सिफर की बढ़तरी हासिल कर ली है पाकिस्तान ने मुक्रा बीस ओवर्स में सात विकेटों के नुकसान पर एक सौ इक्कीस रन बनाए वेस्ट इंडीज ने 10 गेंदों कबल ही हदफ हासिल करके पाँच मैचों की सीरीज में दो सिफर की बढ़तरी हासिल कर ली कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए पांचों मैचों की सीरीज के दूसरे टी मैच में वेस्ट इंडियन वीमेंस टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन अपने अख्तदाम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाजत अल्लाह ने के बाद